नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको सेल के साइज़ को एडजस्ट करना बताएंगे। अगर आपके सेल के अंदर कंटेंट बाहर जा रहा है तो वो भी आपको बताएंगे कैसे उसको फिट करना है। सेल में आपका जो भी साइज है उसको कम कैसे देख सकते हैं, कितनी साइज़ की सेल है, और मर्ज जो भी हम करते हैं सेल के अकॉर्डिंग वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सेल से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों फिर शुरू कर दें। दोस्तों जब भी आपको सेल का साइज़ देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं इस सेल का यहाँ पर सेल का मैं साइज़ कर देता हूँ कम। अब इस सेल का साइज़ कितना है, आपको कितना रखना है, देखिए मैं इस पर कर्सर रखता हूँ, आपको जाना है यहाँ पर फॉर्मेट में, एन यहाँ लिखा है रो हाइट। तो इसकी जो रो हाइट है यहाँ पर अभी तो डिफ़ॉल्ट 24 है, आपको कितनी रखनी है, जैसे कि मुझे रो हाइट यहाँ की रखनी है 30, मैं सिंपल 30 कर देता हूँ तो रो हाइट यहाँ पर 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मेट में, तो इसकी रो हाइट 30 आपको रखनी है इसमें 15, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो आपको कितनी क्या रखनी है रो को। अब यहाँ पर आप इसकी चौड़ाई यानी विड्थ कितनी रखना चाह रहे हैं, तो जैसे ही आप फॉर्मेट में जाओगे कॉलम विड्थ, तो ये डिफ़ॉल्टेड इसकी 4.3 है, आपको रखनी कितनी रखनी है, मुझे रखनी है 5.3। तो ऐसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ से बढ़ जाएगा साइज, है ना। अब हमको यहाँ से आप कर सकती हो जो भी है यहाँ से आप कर सकती हो, और दूसरी बात अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो आप मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक, अब दोस्तों आप ये सेल तो आप डिस्टर्ब कर देते हो, अब चाहते हो कि एक्सेल में मुझे जितनी सेल की साइज़ मिलता है मुझे केवल वही रखना है, तो ऑटो फिट करेंगे आप। सिंपल से साइज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फिट है, तो यहाँ पर ऑटो फिट कर देंगे, तो ऐसी ऑटो फिट करेंगे तो ये सब चीज़ें सही हो जाएंगी, देखिए, है ना। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर सेल से बाहर जा रहा है मैटर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर रेपटेक्स आपको रेपटेक्स कर देंगे। रेपटेक्स करने के बाद आपका जो भी सेल है यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, जो भी कंटेंट है सेल के बाहर जाता है वो सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। एंड इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी ये भी रेपटेक्स हो जाएगा, रेपटेक्स तो नहीं यहाँ पर प्लस आ रहा है सॉरी, एंड यहाँ से आपको इसको ड्रैग करना है तो यहाँ पर ये आ रहा है। ये दोस्तों ये इसलिए होता है कि आपके नंबर ऑफ यहाँ पर फॉर्मेटिंग सही नहीं होती, तो नंबर पर आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग सही करनी होगी, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा इधर यहाँ पर इस जगह, तो यहाँ पर नंबर कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, है ना। ये 00 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर 00 सिलेक्ट किया है। ठीक, एंड सेल एडजस्ट, देखिए दोस्तों आपने जैसे ये लिखा है एक्स वाई जेड, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक, ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर सेल में सेल के बाहर जा रहा है ये कंटेंट। अब आप चाह रहे हैं मुझे इसमें फिट करना है विद इस सेल को डिस्टर्ब की हुए, तो मैं सेल को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर सेटिंग टू फिट करेंगे, तो यहाँ पर सिंपल हट जाएंगे सेटिंग के अंदर, एंड यहाँ है सेटिंग टू फिट, आपको इसको एक्टिवेट कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना, जैसे करेंगे तो ये आपकी सेल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ये एक्सेल से रिलेटेड कुछ बातें थी, आपको साइज कैसे मेंशन करना है, कैसे रेपटेक्स करना है, कैसे इसमें एडजस्ट करना है सेल को, सेल का साइज डिफ़ॉल्ट चेक कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है सेल से रिलेटेड एक्सेल तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।